इस वक्त हम हैं रुद्रनाग नाम के जगह पर, जिस जगह की मान्यता है कि सदियों से, वर्षों से, न जाने कितने सालों से संत महात्मा इस जगह पर आकर के तपस्या किए, ध्यान में लीन रहे, और जब उनको यहाँ आकर अपने खोज की प्राप्ति हो गई तो फिर वो यहाँ से अन्यत्र किसी अन्य स्थल की ओर प्रस्थान कर गए। बहुत ही अनूठा ये जगह है। प्रकृति की गोद में, पहाड़ों की कमर में बसा हुआ ये स्थल साधना के लिए, उपासना के लिए, तपस्या के लिए एक वरदान की तरह है। अगर आपके पास कभी फुर्सत हो, अभिरुचि हो साधना उपासना के दिशा में उन्नति प्रगति करने के लिए, अनुकूल जगह की तलाश हो, आप बेहिचक इस जगह पर आएं और यहां आकर अपने जीवन के इस अंतर यात्रा में अग्रसर हो। हमारे साथ यहां का देखभाल करने का जो दायित्व निभाते हैं सर्वजीत डोहरू जी, उनसे बहुत संक्षेप में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो साधक आकर के साधना उपासना करना चाहें उनके लिए स्थान की ओर से क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उन्हें रहने का कोई सेवा शुल्क देना पड़ेगा या अन्य किसी तरह की कोई चीज़ें हैं जो सेवा शुल्क के तौर पर उन्हें अदा करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी साधक जो यहाँ आना चाहे उसके लिए कोई सेवा शुल्क की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना राशन पानी के लिए जो भी छोटा जो उन्होंने खाना पीना है अपना, उसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा यहाँ कोई ऐसी धनराशि की जरूरत नहीं है। तो साथियों, सचमुच बहुत ही अद्भुत, ये हिमाचल के बैद्यनाथ धाम से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये जगह है। प्रचोदयात्।